Konnichiwa. Yo ho 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 ho! Anime lovers, anime होने वाले ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तो भाई जाओ इधर से जाओ, भर भर के मांगा स्पॉइलर से इस वीडियो में, तो तुस्ती इधर से जाओ। और मांगा वाले, दिस वीडियो इज टोटली फॉर यू, 10:45 तक रीड किए हो तो बैठे रहो यहीं पे। और ये वीडियो में मैं एक ओरिजिनल थ्योरी बताने वाला है रिगार्डिंग मिथिकल जुआन फ्रूट्स। भाई अभी तो भाई हॉट टॉपिक है ये तो, यस ऑब्वियसली मुझे भी क्लाउड चाहिए। इंट्रो देखो फिर थ्योरी सुनाता है मैं, तो लेट्स बिगिन। लेट मी टेल यू अ बिट बेसिक अबाउट मिथिकल ज़ोन्स ताकि वॉच टाइम बढ़े, क्योंकि ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वॉच टाइम वाला चीज वॉज जस्ट मिथिकल जुआन फ्रूट्स टाइप ऑफ जुआन फ्रूट्स है जो यूज़र को अलाउ करता है मिथिकल क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होने में। और ये सबसे ज़्यादा रेयर टाइप ऑफ फ्रूट है पूरे वन पीस वर्स का। और अपने को सबसे कम नॉलेज मिथिकल जुआन फ्रूट्स के बारे में ही है आफ्टर स्पेशल पैरामीसिया, मतलब हमको कितने 7 या 8 ही दिखे हैं अभी तक मिथिकल जुआंस। और एक और चीज़ जो कि मिथिकल जुआंस को स्पेशल बनाता है बाकी जुआंस से, वो ये है कि बाकी जुआंस सिर्फ अपने पर्टिकुलर क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बट मिथिकल जुआन यूजर्स एक्चुअली में एक स्पेशल एबिलिटी यूज़ करने का भी पावर गेन करते हैं। जैसे कि काइडो, उसका फ्रूट अर्जर ड्रैगन वाला है लेकिन वो बोरो ब्रेथ भी यूज़ कर सकता है। यामाटो आइस अटैक्स कर सकती है, सेंगोकू शॉक वेव्स, मार्को हीलिंग फ्लेम्स। अभी तक बस ओनिमारू का पता नहीं है, बाकी सारे मिथिकल जुआन फ्रूट यूजर्स एक पर्टिकुलर स्पेशल एबिलिटी कर ही सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसा बोलने वाला है जो कि हो सकता है कि तुमने आज तक कभी सुना ही ना हो, और ये चीज़ तुम्हारे आँखों के सामने है बट तुम शायद इसको कभी नोटिस ही नहीं किए थे। दैट इज़ कि अगर मैं बोलूँ कि हर मिथिकल जुआन फ्रूट यूज़र को एक पैरामीसिया एबिलिटी ग्रांट करती है, तो क्या मैं गलत हूँ? एग्जाम्पल देख के तुमको कन्विंस करता है मैं। मार्को का स्पेशल एबिलिटी क्या है? ब्लू फ्लेम्स, राइट? एंड मार्को अपना ब्लू फ्लेम्स प्रोड्यूस करता है और अपने बॉडी को उस ब्लू फ्लेम से कोट करता है इन हिज फिनिस फॉर्म, जस्ट लाइक मैगेलन का पॉइजन। मतलब मार्को का फ्लेम्स प्रोड्यूस करना इज अ पैरामीसिया एबिलिटी सिमिलर टू मैगेलन्स पॉइजन वाला एबिलिटी, जिसमें वो अपने बॉडी से पॉइजन प्रोड्यूस करता है। सेंगोकू का शॉक वेव्स, ये भी पैरामीसिया एबिलिटी, क्योंकि शॉक वेव्स सेंगोकू अपने हाथों से रिलीज करता है। हो सकता है बॉडी से भी करता हो बट अभी तक तो हाथों से ही दिखा है। काइडो यामाटो, दोनों के फ्रूट के पावर्स को तुम लोग या बोल सकते हो, बट काइडो यामाटो अपने बॉडी को फायर आइस में ट्रांसफॉर्म नहीं करते, बल्कि वो फायर आइस के अटैक्स को यूज़ करते हैं फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, मतलब वो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि इनका भी एबिलिटी एक पैरामीसिया एबिलिटी है, ऐसा सारे ही मिथिकल जुआन का है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मिथिकल जुआन फ्रूट्स नॉट ओनली अलाउ यूजर टू ट्रांसफॉर्म इनटू द पर्टिकुलर मिथिकल क्रिएचर बट ऑल्सो ग्रांट्स अ पर्टिकुलर पैरामीसिया पावर, तो क्या मैं गलत हूँ? बेसिकली मिथिकल जुआन फ्रूट इज सिमिलर टू स्पेशल पैरामीसिया फ्रूट। इन वॉट वे यू माइट आस्क, बताता है। स्पेशल पैरामीसिया एक पैरामीसिया फ्रूट है लेकिन वो लोगिया पावर्स भी ग्रांट करता है यूज़र को, एंड मिथिकल जुआन भी जुआन के साथ साथ पैरामीसिया पावर्स अलाउ करता है यूज़र को यूज़ करने के लिए। अब बात करते हैं थोड़े मांगा के बारे में, ठीक है, मतलब टू बी प्रिसाइज चैप्टर 1044 के बारे में। एज वी ऑल नो, लूफी का फ्रूट एक मिथिकल जुआन फ्रूट है। अ बिग शॉक बट येस, हितो हितो नोमी मॉडल निका, जो कि इंस्पायर्ड है मिथिकल गॉड सन गॉड निका से। दिस वॉज क्वाइट अ बिग ट्विस्ट, क्योंकि अपन ने इससे पहले लूफी के सिर्फ रबर पावर्स को ही स्ट्रेंथन होते हुए देखा है, और अब ये बोल रहे भाई कि अरे 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 भाई तुम गलत थे आज तक, रबर तो लूफी का मेन पावर है ही नहीं। यू माइट थिंक कि इट्स स्टूपिड बट नहीं, इट इज़ नॉट। आफ्टर कंप्लीटली लिसनिंग माई थ्योरी यू माइट थिंक द सेम जस्ट लाइक मी। अच्छा एक चीज़, लूफी मिथिकल जुआन होके क्यों रबर के पावर्स यूज़ कर रहा है? वैसे रबर जो है वो कौन सा टाइप का पावर है या एबिलिटी है बताओ? पैरामीसिया ना। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि लूफी का फ्रूट जो है उसका जो स्पेशल पैरामीसिया एबिलिटी है वो रबर है? अब चैप्टर 1044 में सिर्फ इतना ही हमने नहीं देखा है, हमने लूफी को अवेकनिंग यूज़ करते हुए देखा है। बट द थिंग इज़ कि लूफी तो मिथिकल जुआन है, फिर कैसे वो पैरामीसिया अवेकनिंग कर रहा है? आई मीन 1045 में इवन काइडो ने बोला कि इसकी अवेकनिंग तो पैरामीस है बट ट्रांसफॉर्मेशन जुआन है, ये क्या सीन है? और जुआन की अवेकनिंग वैसे तो क्लियर नहीं है बट अपने को जितना पता है यूज़र हद लेवल स्ट्रॉन्ग और बड़ा हो जाता है अपने जुआन अवेकनिंग में, अनलाइक लूफी जो कि अपने सराउंडिंग्स को रबर बना रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मिथिकल जुआन फ्रूट्स शायद से यूज़र को एक नहीं बल्कि दो अवेकनिंग अलाउ करती है? यस,
शायद से मिथिकल ज़ोआन यूज़र्स ना सिर्फ अपने ज़ोआन पावर्स को अवेकन कर सकते हैं बल्कि अपने पैरामीसिया पावर्स को भी अवेकन कर सकते हैं, और ये शायद पॉसिबल हो खुद डेविल फ्रूट के विल की वजह से, क्योंकि 1044 में अपने को गोरोसे के थ्रू पता चला कि ज़ोआन फ्रूट का खुद का विल होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ोआन फ्रूट के मर्जी से ही यूज़र अपने पैरामीसिया पावर्स की अवेकनिंग कर सकता है, या फिर अपने पैरामीसिया पावर्स को हद से ज़्यादा मास्टर करने पर ही उसको अवेकन किया जा सकता है, विच माइट बी द रीज़न क्योंकि लूफी के रबर पावर्स अवेकन हुए हैं। अरे भाई मतलब बचपन से भाई वो रबर पावर से यूज़ कर रहा है, रबर पावर की हेल्प से उसने गियर 2, 3, 4 ला दिया, तो शायद लूफी के इतने टाइम से ज़ोआन पावर्स मास्टर करने के बदले पैरामीसिया पावर्स को मास्टर करने की वजह से उसका अब ये पैरामीसिया पावर अवेकन हुआ है। और इस एक पर्टिकुलर चीज़ से कितनी ऑसम चीज़ें हो सकती है पता है, जैसे कि काइडो अपने बोरोप्रेथ की अवेकनी से शायद अपने आसपास की चीज़ों को फायर में चेंज करने का पावर गेन कर ले, या मटो आइस में चेंज करने का पावर गेन कर ले। मार्को का अगर पैरामीसिया पावर अवेकन हो गया तो वो तो किसी को भी शायद हील कर सकेगा फिर फास्ट वे में, मतलब क्या पता वो किसी के चोट को ही ब्लू फ्लेम बना के एकदम चोट को ही वैनिश कर देने का पावर गेन कर ले। और उसी के मल्टीपल रिवाइविंग पावर्स की अवेकनिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि उसका फ्रूट इज़ जस्ट लाइक ब्रूक का फ्रूट, और ब्रूक का अवेकनिंग का भी अपने को कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि आजू बाजू के डेड बॉडीज़ को रिवाइव करने का पावर मिल जाए रुचि को। नो वंडर क्यों मिथिकल ज़ोआन्स को सबसे रेयर और उसके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट लगी हुई है इतनी ज़्यादा, क्योंकि मिथिकल ज़ोआन यूज़र्स सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अवेकनिंग करने का पावर गेन करते हैं। अभी अपने को पता है लूफी कुत्ते जैसे मार रहा है काइडो को, तो ऐसा हो सकता है कि काइडो अपनी अवेकनिंग करेगा अभी। अब कंसिडरिंग कि वो काइडो है, मुझे लगता है कि ज़ोआन अवेकनिंग उसको अच्छे से आता होगा ही क्योंकि वो सालों से उसको हद से ज़्यादा यूज़ करते हुए आ रहा है, बट आई डाउट कि उसने लूफी के जैसे अपने पैरामीसिया एबिलिटी को मास्टर किया है, मतलब बोरोप्रेथ को हद लेवल में मास्टर मुझे नहीं लगता काइडो ने किया है। क्या पता काइडो को सेकेंड अवेकनिंग के बारे में पता ही ना हो, जस्ट लाइक उसको लूफी के फ्रूट के बारे में नहीं पता, मतलब कंसिडरिंग कि 1045 में काइडो इतना कन्फ्यूज था, आई लिटरली थिंक कि काइडो को नहीं पता इफ़ दिस सेकेंड अवेकनिंग एग्जिस्ट्स, और अभी लूफी से लड़ते लड़ते शायद उसका फ्रूट अलाउ करे उसको अपना बोरोब्रेथ को अवेकन करने में, जिसकी वजह से काइडो पूरे ओनिगाशिमा को आग बनाने का पावर गेन कर सकता है। ओनिगाशिमा फिर आग ही गाशिमा बन सकता है पीजे यार छी, बट ये चीज़ हो सकता है राइट, आई मीन इट इज़ पॉसिबल यू नो, है ना। एंड इतना ही था ये थ्योरी, मुझे बस इस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को तुमको बताना था। होप्स कि तुमको वीडियो और ये थ्योरी पसंद आया होगा, आज लाइक हम रखते हैं ठीक है, होने नहीं वाला है बट स्टिल 1000 लाइक्स, आज तक मेरे किसी वीडियो में 1000 लाइक्स नहीं गया है, बट लेट्स सी आज जाता है कि नहीं, मतलब आज नहीं इस वीडियो में जाता है कि नहीं, क्योंकि भाई एक दिन में तो घंटा नहीं जाने वाला, बट लेट्स सी। एंड यस, अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।